सब्सक्राइब कीजिए मायावी टेक वर्ल्ड को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पर न्यू वीडियोस पाने के लिए, और ये बिल्कुल मुफ्त है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में मायावी टेक वर्ल्ड में। और आप सब सोशल साइट का काफ़ी यूज करते हो, मैं भी करता हूँ, जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और भी खूब सारे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो व्हाट्सएप है। उसके कोई नए रूल्स आने वाले हैं कुछ आने वाले समय में, जिनको जाना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो नए रूल जो मेन हेडलाइन है वो ये है कि जो व्हाट्सएप होता है उसका यूज़ अब 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं कर पाएंगे। यूज़र्स की प्राइवेसी को लेकर, यूज़र्स की जो सुरक्षा कारणों को लेकर, सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए जो फेसबुक की खुद की कंपनी व्हाट्सएप है उसमें काफ़ी बड़े बदलाव हुए हैं, ठीक है, और वो आने वाले समय में आप सब देख पाएंगे। और वो बड़े बदलाव ये है कि अब व्हाट्सएप के अंदर 16 साल से कम उम्र के यूजर्स होते हैं उनके लिए ये ऐप बैन होने जा रहा है। यानी जो फिलहाल जो ऐप है व्हाट्सएप का, उसमें जो ईयर कन्फर्मेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी चेंज होने वाली है, तो इस कारण ये ऐप बैन हो रहा है। और जो यूरोपियन डाटा प्राइवेसी के रूल्स के मुताबिक 25 मई से जो व्हाट्सएप है वो उम्र सीमा को 3 साल के लिए बढ़ा रहा है। और व्हाट्सएप में क्या बदलाव किए गए हैं वो मैं आपको अब बता रहा हूँ। आने वाले कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में जब आप व्हाट्सएप के नए ऐप को यूज करेंगे, तो आप जब व्हाट्सएप में लॉगिन करेंगे तो उम्र कन्फर्मेशन की टर्म्स एंड कंडीशन, इन शर्तों को फॉलो करना होगा और इन नियमों को आपको मानना होगा। जो फेसबुक की जो ओन कंपनी है, जो वही है व्हाट्सएप, इसकी एक अलग डाटा पॉलिसी है। इस उम्र वाले जो ईयर की जो रूल है, इसके अलावा भी कुछ बदलाव हुए हैं व्हाट्सएप। आप व्हाट्सएप से जो डाटा होते हैं व्हाट्सएप डाटा, उसकी एक अलग से कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके सारे कॉन्टैक्ट्स भी ऐड होंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शायद मेरे हिसाब से ये जो रूल है काफ़ी अच्छा है और ये जल्द ही आना चाहिए। और जो ये नया रूल है वो इसलिए लागू हुआ है ताकि 13 से 15 साल के जो यूजर्स हैं इस प्लेटफॉर्म पर अपनी निजी जानकारियाँ शेयर करने से पहले अपने पेरेंट्स की अनुमति ले, ठीक है। अगर पेरेंट्स उनको अनुमति नहीं देते हैं तो यूजर्स को, 13 से 15 साल के जो यूजर्स हैं उनको फेसबुक का एक अलग वर्जन दिखाई देगा जो उनके डाटा से अलग होगा। यूरोप के बाहर व्हाट्सएप यूज करने वाले जो यूजर्स होते हैं उनकी जो मिनिमम ईयर है वो 13 होती है, 13 ईयर। फेसबुक के कैम्ब्रिज एनालिटिक डाटा चोरी मामले के बाद ये सब कंपनियाँ, टेक कंपनियाँ, जो टेक्नोलॉजी कंपनियाँ, वो सब कुछ नए रूल्स लाने का सोच रही है। तो इसी कारण से जो पीछे आपने पढ़ा था और देखा था कि फेसबुक पर डाटा चोरी हुई थी, तो इस कारण ये नए रूल्स लागू होने जा रहे हैं। और अपन जल्द आशा करेंगे इन कंपनियों से जल्दी ये रूल्स आए और अपन इनको देखें। और मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छे रूल्स हैं जिनका पालन अपन को करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है इनके बारे में, कितने टाइम में आ जाएंगे और आपके लिए कितना फ़ायदा करेगी, कमेंट ज़रूर करें। जो सेकंड न्यूज़ है व्हाट्सएप के बारे में वो काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और काफ़ी अच्छा लगा ये न्यूज़ पढ़कर, और आपको जानना भी चाहिए ये न्यूज़, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। व्हाट्सएप पर हर बार काफ़ी अपडेट आते हैं और काफ़ी नए फीचर्स आते हैं। पीछे भी 2-3 नए फीचर आए थे जो काफ़ी अच्छे थे, और जो आने वाले फीचर है वो आपको नए अपडेट के साथ देखने को मिलेंगे। ब्लॉग के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि 3 फीचर आएंगे, 2 फीचर होंगे वो होंगे स्टिकर से रिलेटेड, और 3रा फीचर होगा वो होगा ग्रुप चैट से रिलेटेड, ठीक है। जो फर्स्ट फीचर है स्टिकर का, डबल स्टिकर जो कि है फर्स्ट फीचर, ठीक है। 3 फीचर मिल रहे हैं, उनमें से जो ये फर्स्ट फीचर है डबल स्टिकर, ये नए अपडेट के साथ यूजर्स को जल्दी ही प्राइवेट कराया जाएगा। और सेकंड है लोकेशन स्टिकर, और जो ग्रुप चैट का जो 3रा फीचर है ग्रुप चैट के बारे में, डिसमिस एज एडमिन, जो कि ग्रुप चैट से रिलेटेड फीचर है, और जल्दी बीटा अपडेट के साथ ये प्राइवेट कराया जाएगा यूजर्स को। काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। और इन फीचरों की जो 3 फीचर बता रहे हैं आने वाले हैं, इन फीचरों की न्यूज़ है वो एक ब्लॉग से मिली है जिसका नाम है वेब बीटा इन्फो, यहाँ से ये न्यूज़ मिली है, और जल्द ही शायद
ये फीचर अपन को उपलब्ध हो जाएंगे, काफी इंटरेस्टिंग फीचर लगते हैं, आपको क्या लगता है कमेंट जरूर करें। अब मैं आपको इन तीन फीचर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देता हूँ कि ये फीचर्स क्या काम करेंगे। जो पहला फीचर है डबल स्टिकर, वो ये काम करेगा स्क्रीन पर यानी चैट स्क्रीन पर स्पेस को बचाने का काम करेगा। इजी लैंग्वेज में बताऊं तो चैट के दौरान जब यूजर एक से ज़्यादा या दो या तीन कितने भी स्टिकर एक साथ भेजेगा तो यह चैट के दौरान चैट के टाइम स्पेस को बचाने का काम करेगा, यानी स्क्रीन स्पेस का काम करेगा, तो आप समझ गए होंगे। और जो सेकंड फीचर लोकेशन स्टिकर, ये यह काम आएगा। इस फीचर के जो अंतर्गत दो थीम पैक आएंगे, ठीक है, दो थीम में स्टिकर पैक आएंगे। यह फीचर बहुत ही अच्छा काम आएगा। यह फीचर फोटोज GIF पर टैग डालने के काम आएगा। थर्ड जो फीचर है डिसमिस एज एडमिन, इसके अकॉर्डिंग ये फीचर यह बताता है कि पहले जो क्या होता था कि ग्रुप के अंदर ग्रुप का जो एडमिन होता है, ग्रुप का एडमिन, वो दूसरे एडमिन को एडमिन पद से हटाने के लिए ग्रुप से रिमूव कर वापस उसको ऐड करना पड़ता था, लेकिन इस फीचर के दौरान नए अपडेट के बाद यूजर या एडमिन जो भी बोलो उसको लॉन्ग एक्शन से नहीं गुजरना पड़ेगा। इसमें जो एडमिन है उसको ग्रुप से रिमूव किए बिना ही एडमिन को डायरेक्ट रिमूव किया जा सकता है, जिनकी जानकारी अपन को आने वाले टाइम में पता लग जाएगी। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, कैसे लगे ये जो नए वाले रूल्स, मुझे कमेंट ज़रूर करें। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है टेक न्यूज़, तो शायद आपको अच्छी लगनी चाहिए, मुझे कमेंट ज़रूर करें। और मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर आऊँगा ऐसे ही हर दिन, तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें।